हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गंजेपन के बारे में। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बाल बहुत ही कम उम्र में झड़ जाता है, जिनकी वजह से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें पुरुषों के सिर पर या तो कई बाल नहीं होते हैं या फिर कम बाल होते हैं। गंजेपन को चिकित्सा की भाषा में एलिपीसिया कहते हैं। गंजेपन की स्थिति बालों के अधिक गिरने के साथ उत्पन्न होती है। वैसे आमतौर पर बाल धोने के दौरान हमारे सर से औसत तक बाल गिर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंजे हो रहे हैं। वे डस्ट बाल होते हैं जो कि हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं तथा उनके जगह नए बाल उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यह नियमित रूप से यदि नहाते समय बालों का गुच्छा हाथ में आ जाए तब हमें यह समझना चाहिए कि हम गंजे हो रहे हैं तथा हमारे बाल कम हो रहे हैं। इसके कारण हो सकते हैं जैसे कि हार्मोन्स में बदलाव होना, आनुवंशिकता की कमी, गंजेपन के कई कारण हो सकते हैं। शरीर में आयरन व प्रोटीन की कमी, वजन का तेजी से घटना, ज्यादा मात्रा में विटामिन ए का सेवन करना, बालों की जड़ों में संक्रमण हो जाना, दवाओं के साइड इफेक्ट, कैंसर के इलाज कीमोथेरेपी के बाद भी ऐसा देखने को पाया जाता है। जैसे थायराइड की बीमारी में बालों में डाई कलर और केराटिन हेयर ट्रीटमेंट आदि अन्य साधनों को लगाने के कारण होता है और लंबी और गंभीर बीमारी के कारण भी बाल झड़ने लगते हैं। इनके लक्षण हैं जैसे कि बालों में कंघी करते समय कंघी में बालों का गुच्छा आ जाना, बालों का अधिक गिरना, आमतौर पर रोजाना 20 से 50 बाल गिर जाते हैं, सर में रूसी होने से भी बाल झड़ते हैं। ये सभी गंजेपन के लक्षण हैं और यदि इन गंजेपन को रोकने के उपाय हैं तो हम आयुर्वेदिक तरीके से रोक सकते हैं। दोस्तों यदि आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं तो आपके लिए आयुर्वेदिक उपचार है। प्याज में मौजूद सल्फर सिर में रक्त के प्रवाह को तेज करता है जिससे गंजापन की बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ नहीं, बस प्याज को काटकर उसका रस निकाल लीजिए और उसे शहद के साथ मिला लीजिए और फिर अपने बालों के जड़ों में अच्छी तरह से तेल की तरह मालिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सर में फंगस और बैक्टीरिया नष्ट हो जाएंगे। गंजेपन को दूर करने के लिए अरंडी का तेल काफी कारगर माना जाता है। अरंडी का तेल गंजापन को दूर करता है। यह एक गर्म यानी कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह बाल और त्वचा की कई और समस्याओं में काम करता है। गंजेपन को भगाने के लिए आपको बस और कुछ नहीं करना है बल्कि अपने हथेलियों पे थोड़ा सा अरंडी का तेल लेकर के सिर में अच्छी तरह से मालिश करना है तथा प्रतिदिन या फिर हफ्ते में 3 दिन मालिश करने से आपके सर से रूसी और अन्य जो हानिकारक बीमारियां हैं वे सभी नष्ट हो जाएंगे तथा गंजेपन को रोका जा सकता है। और दोस्तों जैसे कि गंजेपन को रोकने की एक और नुस्खा है जिसे कहते हैं मेथी। मेथी के बीज भी गंजेपन को दूर करने में काफी कारगर सिद्ध होता है। मेथी के बीज को कूट कर पेस्ट बना लेने से और सिर के बालों के जड़ों में अच्छी तरह से मालिश करने से यह बीमारी दूर हो जाती है। चुकंदर के पत्ते गंजेपन को दूर करने के अचूक दवा हैं। चुकंदर के पत्ते को पानी में उबाल करके जब वह काफ़ी मुलायम हो जाए तो उसमें मेहंदी के पत्ते मिला दीजिए और फिर इसे ग्राइंडर में पीस करके अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बना करके आप अपने सर में लगा करके गुनगुने पानी से सिर धो लीजिए। काफ़ी हद तक आपके गंजेपन को रोकने में चुकंदर के पत्ते काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों ये थे गंजेपन को रोकने के लिए कुछ असरदार उपाय। यदि आपको यह वीडियो आप पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।